उसका साथियों, जीए सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था अंग्रेजों के बारे में, आज पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। बारे में देखने कि डेनिस कौन थे। तो देखो, डेनिस बोला जाता है, वो बोला जाता है डेनमार्क को, यानी डेनिस कहते हैं जो डेनमार्क के लोग हैं, तो उनको हम डेनिस बोलते हैं। ठीक, अब डेनिस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो देखो, डेनिस जो कंपनी है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 16 में हो गई है। अब 1616 में इसकी स्थापना हो गई, तो लेकिन ये स्थापना हुई है डेनमार्क में। लेकिन भारत में अगर आपसे पूछ ले इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई, तो पहली फैक्ट्री भारत में त्रावणकोर, जो उस समय तंजौर, नाम सुना हो, तंजौर या तंजावुर में पड़ता था। तो पहली फैक्ट्री खोली गई है तंजौर में, ठीक है, त्रावणकोर। इसके बाद इनकी जो दूसरी फैक्ट्री है इनकी, वो फैक्ट्री खोली गई है 1676 में श्रीरामपुर, और श्रीरामपुर आपका पड़ता है बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ कि इनको लगने लगा कि हम यहाँ पर नहीं जम सकते, अपने पैर नहीं जमा सकते, क्योंकि इससे पहले और 1664 में जब फ्रांस की कंपनी आती है, तो फ्रांस और ब्रिटेन 17वीं शताब्दी में सुपर पावर बन के उभरने लगे थे। तो इस वजह से इनको लगने लगा कि हम भारत में अपने पैर नहीं जमा सकते, तो ये ऐसे कर लो 1745 में अपनी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर चले गए। ठीक, इतने फैक्ट हैं इसके बारे में, वो काफ़ी। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे फ्रांसीसियों को। चलो फ्रांसीसियों को स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी, ये तो कन्फर्म ही है सभी को कि फ्रांसीसी किसको कहते हैं। फ्रांसीसी कहते हैं फ्रांस के लोगों को। तो देखो, फ्रांस का एक राजा होता था, कहाँ का, फ्रांस का, मान लिया फ्रांस का एक राजा था जिसका नाम था लुई 14वां। तो इसका एक मंत्री हुआ करता था, उस मंत्री का नाम था कोलवर्ट। तो उसने 1664 में फ्रांस में एक कंपनी की स्थापना की, स्थापना की और उसको नाम दिया इंडस ओरिएंटल लेस कंपनी। इस नाम से एक कंपनी की स्थापना की। उसके बाद अब ये इस कंपनी की स्थापना कौन कर रहा है, एक मंत्री कर रहा है। जब एक मंत्री कर रहा है, किसका, राजा का, जब राजा का मंत्री कर रहा है, तो ये कंपनी कैसी हो जाएगी, एक सरकारी कंपनी हो जाएगी। कोई प्राइवेट कंपनी तो ब्रिटेन की तरह नहीं कर रही है, तो ये प्राइवेट कंपनी हो जाए। इसकी स्थापना की एक मंत्री के द्वारा हुई है, तो ये एक कैसी कंपनी हो जाएगी, सरकारी कंपनी हो जाएगी। ठीक, अब आपसे पूछ ले, ये कंपनी की स्थापना हो गई कि फ्रांसिस कैरोन, या इसी का एक और नाम है फ्रैंक कैरो,
ये कौन था? तो इसके नेतृत्व में प्रथम फ्रांस दल भारत आया था। और ये कब आया था? ये आया था 1667 में। ठीक है, आपसे पूछ ले कब आया? 1667 में आया। अब इसके साथ ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसके साथ ईरान का निवासी मरकरा भी आया था। आपसे पूछ लेगा कि ईरान का निवासी मरकरा किसके साथ आया था? तो फ्रेंको कैरो के साथ आया था। इसने क्या किया, यानी फ्रांसीसियों की एक पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की, वो कि 1668 में, 1668 में पहली फैक्ट्री खोली है इन्होंने सूरत में। कहाँ खोली? जहाँ अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खोली गई थी। उसके बाद इसने दूसरी फैक्ट्री भी वहीं खोली है जहाँ अंग्रेजों की फैक्ट्री खोली गई है। तो देखो, दूसरी फैक्ट्री खोली इन्होंने मसूलीपट्टनम में, और मछलीपट्टनम लिखा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मसूलीपट्टनम में। ठीक, 1673 में दक्षिण भारत में बेली गोंडपुरम नाम का एक राज्य था, छोटा था। तो बेली गोंडपुरम यहाँ का एक सूबेदार होता था, कि सूबेदार उसका नाम था शेर खां लोधी। शेर खान लोधी से क्या किया, एक गांव या जिसको बोलते हैं पर्दुचेरी, एक गांव पर्दुचेरी किसने लिया? फ्रांसिस मार्टिन ने। और फ्रांसिस मार्टिन ने लिया, ये फ्रांस का निवासी है फ्रांसिस मार्टिन, इससे लिया। तो इसने क्या किया, इसी गांव को 1674 में पांडिचेरी के नाम से विकसित कर दिया। ठीक, विकसित कर दिया और यहीं पर एक किला बना बनाया जिसको कहते हैं फोर्ट लुई किला। आपसे पूछ ले कि फोर्ट लुई किला कहाँ पर है? तो पांडिचेरी में स्थापित है। 1674 में बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। पता है बंगाल में इस समय 1674 में किसका राज्य होगा? औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब जीवित है अभी। तो शाइस्ता ये शाइस्ता कौन था? ये शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था। इसी शाइस्ता खां ने शिवाजी को पकड़ने के लिए रात में घेरा डाल दिया था। तो शिवाजी वहाँ पर एक बाराती का भेष बना के पहुँचे थे, और शिवाजी ने शाइस्ता खां पे हमला किया था, तो शाइस्ता खां का अंगूठा कट गया था। तो ये भागते भागते वहाँ से आया था औरंगजेब के पास। जब आया तो बताया औरंगजेब को, दिया तो बंगाल का सूबेदार बना दिया था इनको। तो शाइस्ता खां से एक गांव फ्रांसीसियों ने लिया। इस ये गांव लिया, ये गांव 1690 से 92 में चंद्रनगर
के नाम से विकसित किया। ठीक, इसके बाद इन्होंने 1721 में मॉरीशस, जो हिंद महासागर का द्वीप है, यहाँ सबसे अधिक भारतीय रहते हैं, मॉरीशस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1724 में माहे कहाँ पड़ता है, माल केरल में है, मालाबार तट के बिल्कुल किनारे, केरल पर अधिकार कर लिए। सत्रह में उन्होंने कराईकल पर अधिकार किया। ठीक, ये इतने फैक्ट और हो गए। हाँ, ये इसमें और देख लो आप लोग कि ये पांडचेरी में जब ये किला बनवाया था, इस पांडचेरी को 1793 में डचों ने कब्जा कर लिया। डचों ने कब्जा कर लिया 1793 में नहीं, 1693 में, 1693 में कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने में डच इतने मजबूत नहीं थे कि फ्रांस को हरा सकते थे, तो कब्जा करने में, इस कब्जा में जो मदद की थी, वो मदद की थी अंग्रेजों ने। अब से पूछ ले किसने मदद की थी, तो अंग्रेजों ने मदद की थी। लेकिन क्या हुआ, ये जो पांडचेरी कब्जा लिया था, तो 1697 में रिजविक की संधि हुई, रिजविक की संधि के बाद लौटा दिया। ठीक, आपसे पूछ ले कब्जा कब किया था, 93 में किसने किया था, डचों ने, और किसकी मदद से किया था, अंग्रेजों की मदद से, तो वापस किस संधि के तहत किया, तो रिजविक की संधि के तहत। आज हमारा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन समाप्त हुआ, और इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को।